नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में सड़क निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में रिश्वत लेते हुए कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम ने अनूपगढ़ खंड में यह कार्रवाई की और अधिशासी अभियंता को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया। जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खंड अनूपगढ़ के अधिशासी अभियंता सतीश बंसल के खिलाफ परिवादी ने शिकायत दी थी। सड़क निर्माण कार्यों के बकाया बिलों की कुल राशि 35,83,000 रुपए के भुगतान की एवज में सतीश बंसल द्वारा कमीशन के रूप में रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद सतीश बंसल निवासी बरकत नगर जयपुर हाल अधिशासी अभियंता कृषि विपणन बोर्ड अनूपगढ़ को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस स्वाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। श्रीगंगानगर जिले में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे वृद्ध की हत्या कर दी। वारदात जिले के घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव सावंतसर में हुई। जानकारी के अनुसार गांव सावंतसर में रहने वाले विजय सिंह मजबी सिख ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई शेर सिंह उनसे अलग गांव में ही रहता था। वह मेहनत मजदूरी करता था। विजय सिंह के अनुसार शेर सिंह कल शाम को मजदूरी करके घर लौटा और रात्रि को घर के बाहर ही चारपाई डालकर सो गया। अगले दिन उसका भाई चारपाई पर मृत पड़ा मिला। थाना प्रभारी हरबंस सिंह ने बताया कि शेर सिंह अपने घर में अकेला ही रहता था। उसका अपनी पत्नी के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था। एफएसआई टीम के अलावा डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। हत्यारे की तलाश की जा रही है। अलवर के कठुमर विधानसभा के भनोकर मंडल की बैठक में जमकर लात घूंसे चले। विवाद पंचायत समिति सदस्य को मंच पर नहीं बैठाने को लेकर हुआ, जिसके बाद भाजपा नेत्री मुन्नी देवी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया और कार्यकर्ताओं से हाथापाई की। बीच बचाव में आए भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पांडे का कुर्ता फाड़ दिया। राजकुमार पांडे ने बताया कि भनौकर बनाकर मंडल की घाटा भावर मंदिर पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यशाला चल रही थी, तभी नरपत नामक व्यक्ति ने आकर गाली गलौच देना शुरू कर दिया। वह कह रहा था कि डायरेक्टर के देवर को आपने मंच पर क्यों नहीं बिठाया। इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में मंच पर दायित्ववान कार्यकर्ता ही बैठ सकता है। वहीं महामंत्री ने कहा कि यह संगठन की रीति नीति नहीं है कि हम डायरेक्टर के देवर को मंच पर बैठाएं। इसके बाद वो लोग महामंत्री को पीछे ले गए और मारपीट करने लग गए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के प्राइवेट स्कूल से गायब हुई नाबालिग लड़की और उसके टीचर को आखिरकार बीकानेर पुलिस ने पकड़ लिया है। ये दोनों 1 जुलाई को सुबह 7:30 बजे श्री डूंगरगढ़ में अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन दोनों घर ही नहीं लौटी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया दोनों को चेन्नई से पकड़ा गया है। दोनों को ढूंढने में बीकानेर पुलिस के साथ चेन्नई पुलिस की सबसे बड़ी भूमिका रही। दोनों सुरक्षित हैं। बीकानेर पुलिस जल्द ही इन्हें लेकर आएगी। श्री डूंगरगढ़ के एजी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाली निधा बहली में 1 जुलाई को स्कूल आने के बजाय अपनी ही एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ कस्बे से निकल गई थी। शाम तक दोनों के घर वालों ने तलाश की, लेकिन तब तक ये काफी दूर निकल चुके थे। ऐसे में तुरंत पकड़ा नहीं जा सका। एक दिन बाद 2 जुलाई को बीकानेर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। केस दर्ज करवाया गया। हालांकि तब तक दोनों राजस्थान से बाहर निकल गई थी। राजस्थान पुलिस में 3,578 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों की गणना के बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इस भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल करवाया जाएगा। फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा की मेरिट से कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार ने बजट भी स्वीकृत कर दिया है। भर्ती के लिए सीईटी वाले अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। तय पदों से 15 गुना करीब 53,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सीईटी में 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के लिए 35% अंक अनिवार्य किए गए हैं। फिजिकल में लंबाई व सीने के नाप के अलावा 5 किलोमीटर की दौड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल राजधानी जयपुर में किया गया। महिला मोर्चा के इस थाली नाद प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर भी काफी समर्थन मिल रहा है। ट्विटर पर गहलोत सरकार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा पूरे देश में दूसरे स्थान पर ट्रेंड कर रहा है।
हैशटैग महिला विरोधी गहलोत। बता दें कि प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन कर रही थी। थालीनाथ के नाम से हो रहे महिलाओं के इस हल्ला बोल प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया पर भी खूब समर्थन मिला। भारत भर में महिला विरोधी गहलोत के नाम से ट्विटर पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड होने लगा। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से बीजेपी महिलाएं शामिल हुई। प्रदर्शन में बीजेपी की महिलाओं की ओर से काली पट्टी बांधकर हाथों में थाली लेकर चम्मच से बजाते हुए इस सरकार को सत्ता से बाहर निकालने का आह्वान किया गया। सीकर के नेछवा में सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने पीड़ित युवक से रुपए ले लिए, लेकिन अब ठग का फोन बंद आ रहा है। लक्ष्मणगढ़ निवासी नरेंद्र कुमार ने नेछवा थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि झुंझुनू निवासी विनोद कुमार ने खुद को CRPF का अधिकारी बताया और कहा कि वह नरेंद्र को सेना में नौकरी लगवा देगा, जिसके लिए 14.5 लाख रुपए लगेंगे। नरेंद्र ने यह राशि ब्याज पर उठाकर विनोद कुमार को दे दी, लेकिन अब उसके दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। पीड़ित नरेंद्र की विनोद कुमार से मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए। नरेंद्र ने विनोद कुमार की वर्दी में फोटो देखी थी, ऐसे में उसने विनोद पर विश्वास कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 17,17,000 मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा आम चुनाव में पहली बार मिलेगी। इससे पहले हुए 7 उपचुनावों में यह सुविधा दी जा चुकी है। वह जिन मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, उनमें 12 लाख वृद्ध और 5,17,000 दिव्यांगजन मतदाता हैं। 10 दिन पहले करेंगे मतदान। होम वोटिंग की सुविधा लेने वाले मतदाता 10 दिन पहले मत पत्रों के जरिए मतदान करेंगे। इस सुविधा को लेने के लिए मतदाता को विकल्प भर कर देना होगा। होम वोटिंग करवाने के लिए अलग से मोबाइल पार्टी तैनात की जाएगी। होम वोटिंग की सुविधा लेने वाले मतदाता को BLO को विकल्प पत्र देना होगा। यह विकल्प पत्र चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 5 दिन के भीतर भरना होगा। मतदाता को यह सुविधा देने के लिए क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी विकल्प पत्र की गहन जांच करेगा। उसके संतुष्ट होने के बाद ही मतदाता को यह सुविधा दी जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट आज जारी हो गया है। ऐसे में उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट ICAI.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। बता दें कि CA फाइनल और इंटरमीडिएट का मई 2023 की परीक्षा 2 से 18 मई 2023 तक हुई थी। यह परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में ली गई थी, जो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ली गई थी। डूंगरपुर जिले के 84 थाना पुलिस ने पौहरी खातुरात अस्पताल के पास पथराव में 2 साल के मासूम की मौत के मामले में फरार चल रही एक और आरोपी पायल डामोर निवासी पाडला मानारौत को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने लूटपाट की नीयत से पथराव किया था। गिरफ्तार युवती मुख्य आरोपी की प्रेमिका है। थानाधिकारी अमृतलाल मीना ने बताया कि 24 जून को मांडवा नवाखरा निवासी विक्रम परमार ने दर्ज मामले में बताया कि 23 जून को उसकी पत्नी शिल्पा के भाई की शादी होने की वजह से बारात में गए थे। शादी के बाद विक्रम, पत्नी शिल्पा और 2 साल का इकलौता बेटा वरुण तीनों ही बाइक पर वापस घर आ रहे थे। पौहरी खातुरात PHC के पास आते ही रास्ते में 2 बाइक लेकर 6 से 7 बदमाश खड़े थे। बदमाशों ने उनकी बाइक को रोकने का प्रयास किया और पत्थर मारे। पत्थर मार शिल्पा की गोद में पकड़े मासूम वरुण के सिर पर लगा, जिससे मासूम की मौत हो गई थी। अजमेर स्थित एक होटल में ब्यूटी पेजेंट मिस और मिसेज प्राइड ऑफ राजस्थान के 2रे सीजन का फाइनल ऑडिशन हुआ। इसमें शहर की 50 से ज्यादा मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया और परफॉर्मेंस से जजेस को इम्प्रेस करने का प्रयास किया। मॉडल रिया दोई, अमित माइकल, स्नेहा चतुर्वेदी, फैशन डिजाइनर गौरव गुप्ता और अर्चना पुरोहित ने जज किया। शो की ऑर्गेनाइजर पूजा मक्कड़ ने बताया शो का ग्रैंड फिनाले होटल ग्रैंड उनियारा में 30 जुलाई को होगा, जिसमें पूरे राजस्थान में टॉप 40 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेंगे। मनोज सोनी के एक्सपीरियंस्ड डायरेक्शन में होने वाले इस शो में सभी पार्टिसिपेंट्स को मिस इंडिया एक्सक्लूसिव आकांक्ष तिवारी 4 दिन की ग्रूमिंग देंगे।